सोनिया गांधी ने बीजेपी और मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। सोनिया गांधी ने कहा, बीजेपी ने कांग्रेस की छवि एक मुस्लिम पार्टी के तौर पर गढ़ी, जिसका कांग्रेस को नुकसान हुआ। एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में सोनिया गांधी ने पीएम मोदी पर कसा तंज। सोनिया गांधी का दावा है कि 2019 में कांग्रेस की केंद्र में सरकार बनेगी। सोनिया गांधी का ये भी कहना है कि कांग्रेस का मुख्य मुद्दा मोदी सरकार की लोगों से की गई वादा खिलाफी होगी। राहुल पार्टी को पुनर्जीवित करने के लिए वरिष्ठ और युवा नेताओं के बीच संतुलन बनाना चाहते हैं और ये कोई आसान काम नहीं है। सोनिया गांधी का मानना है कि राहुल गांधी पार्टी को पुनर्जीवित करने के लिए वरिष्ठ और युवा नेताओं के बीच संतुलन बनाना चाहते हैं और ये कोई आसान काम नहीं है। सोनिया गांधी ने पूछा, क्या भारत 26 मई 2014 से पहले पूरी तरह एक ब्लैक होल था? क्या भारत विकास और महानता की तरफ सिर्फ 4 साल पहले बढ़ा है? क्या ये कहना हमारे लोगों की बुद्धिमत्ता का अपमान नहीं है?